back to class. You're planning. You're with Rahul Sharma, your friend, and guiding this class all about ST College Work Biography Literature. Sir, Biography Literature को पढ़ेंगे या हम जानेंगे imagination या fancy? कौन सा को clear करना जरूरी है? And that is really important कि मैं पहले ही बता दूँ हम discuss क्या करने वाले. अब बात करते हैं Biography Literature से. It's a work of ST College that has been published in 1817. कब? After a long time by लिरिकल बैलेट. लिरिकल बैलेट सर कलेक्शन था बेसिकली इसका और किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का. दोनों मिलके काम किया था. एक ऐसे था जिसको डील किया गया जो बहुत पॉपुलर भी हुआ विद द नेम ऑफ द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट. एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम हमारे पास कॉलेज के व्यूज की बात हुई कि कॉलेज के व्यूज क्या है पोएट्री को लेके. एंड हाउ ही थिंक्स दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ पोएट इज अ जीनियस. मतलब जीनियस पोएट कौन होता है यार, कैसे क्लियर करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर चैनल पे अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. फॉर दैट प्रेस दैट बेल आइकन. कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग बायोग्राफी लिटरेचर. इट्स अ वर्क ऑफ एसटी कॉलेज पब्लिश्ड इन 1917. इट डिस्कस द आइडिया ऑफ राइटिंग एंड व्हाट राइटिंग शुड बी कंसीडर्ड एज जीनियस. अब जीनियस में दो चीजें दिमाग में आती हैं. द फर्स्ट इमेजिनेशन एंड फैंसी. अगर इस क्लास में ये टॉपिक ऑन टिप हो जाता आपको देन आई प्रॉमिस दैट यस यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स इन एग्जामिनेशन क्योंकि कंफर्म पेपर क्वेश्चन में होता है. तो आपने कहा इमेजिनेशन. एंड फैंसी दो चीजें. अब यहां पे लोग बोलते हैं सर एंड फैंसी को या वर्सेस फैंसी को, इट्स ऑल अप टू यू ऑन थिंकिंग अगेन थिंकिंग. पूरा प्रोसेस ही है इमेजिनेशन पे आएगा. तो मैं एंड फैंसी लेके चलूंगा नॉट वर्सेस फैंसी. क्यों अभी थोड़ी देर बताइएगा. जब मैं इमेजिनेशन की बात करता हूं, इमेजिनेशन तो हम सब करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं. विल डू इमेजिन एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम. ये वीडियो देखते हुए आप इमेजिन करो, सीरियसली करो यार. ये सर तो बहुत ज्यादा वीडियो बना रहे हैं. सर ने एक नया चैनल बनाया. हाँ, मैंने एक नया चैनल भी बनाया बाय द नेम ऑफ राहुल शर्मा. मोटिवेशनल चैनल है मेरा, ठीक है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलना. इट्स माई न्यू चैनल, अभी शुरू किया है, जिसके अंदर छोटी छोटी कहानियां बताता हूँ. तो उस पर भी जाएंगे और उसको भी देख लेंगे अगर थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए तो. कम टू द पॉइंट, इमेजिनेशन. सर ये इमेजिनेशन क्या है? इस इमेजिनेशन से क्लियर करते हैं. हर आदमी की इमेजिनेशन होती है, मेरी भी आपकी भी. घर से निकलते ही इमेजिनेशन की बैटरी है ना वो ऑन हो जाती है. आप ऐसे निकलते ही नहीं, घर पे बैठे बैठे इमेजिनेशन शुरू होती है. ये हर आदमी करता है, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं. अब इसको कैसे क्लियर करते हैं, कनेक्ट करते हैं. तो हमने बोला दो तरह की इमेजिनेशन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी. एक इमेजिनेशन हमारी प्राइमरी जो हर आदमी करता है. मैं आप सर इसको यूनिवर्सल बोलूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा. इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट. अगर मैं कहूं द प्राइमरी इमेजिनेशन नोन एज टू बी द यूनिवर्सल इमेजिनेशन बिकॉज इट डू प्रिवेल एवरीवेयर, हर जगह होती. सर घर से निकलते ही बाहर इमेजिनेशन शुरू होती. क्या मैं इस टॉपिक को समझ पाऊंगा? अच्छा इस क्लास को पूरा देख लेता हूं तो उसके बाद डेफिनेटली मजा आएगा, पढ़ने का मजा आएगा, चीजें समझूंगा. खेलने जाता हूँ नॉर्मली, मैं संडे को खेलने जाता हूँ तो मैं इमेजिनेशन जाऊंगा, बैटिंग करूंगा, ऐसा होगा ऐसा होगा. ये सब हम सब सोचते हैं, मतलब हर आदमी की अपनी सोच है. एक टीचर अपने हिसाब से इमेजिन कर रहा होता है, एक स्टूडेंट अपने हिसाब से इमेजिन कर रहा है. आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है सर हम कुछ नया करें, तो ट्रेंड में इमेजिनेशन काम कर दी. मतलब वो कर रहा तो मैं भी कर सकता हूँ, ऑनेस्टली उसने किया मैं भी करूंगा. तो याद है 12th पास करते ही 100 में से 80 बच्चे CA करेंगे. क्यों? मेरा दोस्त CA कर रहा है, मैं भी CA करूंगा. वो CA कर रहा तो मैं भी CA करूंगा. मैंने इमेजिन भी कर लिया, मैं CA भी बन गया. सपनों की दुनिया में मैं राजा बन गया. तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम सब देखते हैं, वो इमेजिनेशन है. और वो है प्राइमरी इमेजिनेशन. आप कहते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन, मतलब हर आदमी के लिए इमेजिनेशन वेरी करती है, वो अलग अलग स्टेज पे आती है. तो यहां पे किसी तरह की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, किसी तरह कोई नॉर्म नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई बेसिक फंड होता है जो स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है. यार ये स्टेप्स हैं जिसके अंदर इमेजिनेशन को हम क्या तोलेंगे कि भाई ये ठीक है नहीं है, मतलब जज नहीं कर सकते, इवेल्यूएट नहीं कर सकते. तो इमेजिनेशन हर किसी के लिए. टेक एन एग्जांपल सर, यहां पे इस इमेजिनेशन का पोएट्री लिखने या कोई स्पेशलाइज काम करने से कोई लेना देना नहीं है. ये इमेजिनेशन सपने हैं जो हम सब देखते हैं. आपने मैंने डेली को इमेजिन किया और डेली सपना लिया,
खुली आंख से देखने वाले सपने जो मैं आप हम सब करते हैं। तो सर ये तो गया इमेजिनेशन, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सोच जो हर किसी के पास है, हर आदमी कुछ भी सोच सकता है। एवरीबॉडी हैव देयर ओन थिंकिंग, देयर ओन मेंटेलिटी, देयर ओन इमेजिनेशन। इट इज नोन एज टू बी अ प्राइमरी इमेजिनेशन। तो सबको क्लियर हो गया कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होती है। अब आते हैं सेकेंड लेवल पे। सेकेंड लेवल सर दिस इज नोन एज टू बी अ सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो इसमें क्या है, इसमें मुझे सर क्या चाहिए होगा, I need to have a talent. Those can think beyond. Honestly, those who can think beyond that primary imagination. किसने कुछ देखा उसके बेसिस पे उसने एक पूरी कहानी लिख दी। Can you write down a story? Sorry, it's not possible. Can I'm not a cup of tea for me? See, it's not a cup of tea for me. क्या आप एक पोएट्री लिख सकते हो? अरे सर कभी कोशिश भी नहीं की, मतलब उसमें तो क्या होगा, फीलिंग लानी होगी, फीलिंग के बाद हम उसे अरेंज करेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे, फिर सिस्टमेटिक लेके आएंगे, फिर एक फॉर्म देंगे। लास्ट क्लास आई होप आप लोगों ने देखी होगी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, उसमें मतलब पोएट्री कैसे बनती है, वो काम पोएट्स का होता है। मतलब आप बोलो सर पोएट हो गए, क्रिएटर्स हो गए, ग्रेट थिंकर्स हो गए, दोज कैन एंडर्स देयर थॉट्स एंड मेक समथिंग न्यू। जो किसी दूसरे की थॉट को लेके उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर इमेजिन करना शुरू करते हैं। सर लेक ऑफ इंस्प्री नाम सुना होगा आप लोगों ने, मतलब वहां से होके आया था, उसके दिमाग में आज ही वो चल रहा था, उसको लेके वो इमेजिन कर रहा था। तो आपने कहा पोएट इमेजिन कर सकते हैं, डेफिनेटली इमेजिन कर सकते हैं, कोई इंसिडेंट उन्होंने कहीं देखा और आज उसको लेके एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर देते हैं, मेक देयर ओन पोएट्री। आप बोलते हो सर इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन। अभी सेकेंडरी इमेजिनेशन कैसे काम करता है, अब मैं आपको ले जाता हूं क्लास 11th में। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, डेफिनेटली से एक होता था प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा, एक होता है रॉ डाटा। रॉ मतलब जो माल मिला आपने इकट्ठा किया जैसे भी, फिर उसको अरेंज किया गया, सीक्वेंस डाला गया, हर चीज को एक ऑर्डर दिया गया, फिर आपने बोला सर क्या बन गया, देन इट कम्स टू बी अ सेकेंडरी डाटा। कुछ गलत इतना मैंने वही तो बोला, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। प्राइमरी हर किसी के साथ प्रीवील करता है, सेकेंडरी में क्या करना है उसमें प्लस कर देनी चीजें, जहां आपकी इमेजिनेशन आएगी, आपकी ग्रेट थिंकिंग आएगी, आपकी चीजों को लेके इमेजिनेशन, वो भी इंटरनल इमेजिनेशन आ जाएगी, आप चीजों को अरेंज करना शुरू कर देंगे, इल्यूजन को रियल फॉर्म देना शुरू कर देंगे, दैट इज सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो आपने इमेजिनेशन पे ही काम किया, मतलब एवरीबडी कैन इमेजिन प्राइमरी, बट Seriously, one or two person can make that imagination come into reality in form of their works. ये कौन करेगा? Great thinkers करेंगे, कोई poet करेगा, या कोई writer करेगा, या कौन करेगा? Sir, ये normally कोई artist करता है, तो हम बोलते हैं secondary imagination. तो sir, ये तो क्या हमारा imagination concept, आपने बोला primary और secondary. अब आते हैं fancy पे. What do you mean by fancy? अब ये फैंसी के सोच, सोच तो डेफिनेटली वही, सोच में किसी ना कोई बदलाव नहीं है। अब मैं अभी लेता हूं थोड़े दिन पहले और 10 to 15 days back आप सबने दिवाली सेलिब्रेट की नहीं की, कांट हेल्प इट, मतलब जिसने नहीं की तो यार कोई और त्योहार किया होगा, हो सकता है सब ना करते दिवाली, लेकिन कोई त्योहार तो सेलिब्रेट किया होगा। तो जब आप करते हो तो आप चीजों को क्या करते हो, आप चीज को डेकोरेट करते हो, हिंदी और इजी वर्ड्स में चीजों को मॉडिफाइड करते हो, बेस वही रहता है, बेस में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन डेकोरेशन कौन कैसी कर रहा है इट्स ऑल अप टू यू। सर खानी सब में रोटी है, लेकिन कोई डेकोरेट करके अलग से पार्ट में काम करेगा, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करेगा, चीज को सजाएगा, वो उसमें क्रीम डालेगा, मक्खन डालेगा, पता नहीं क्या क्या डालेगा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग, बट हाँ ये सच है कि खाना सबने खाना है, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, खाना खाया। अब किसने 56 वो खाए, किसने एक सूखी रोटी विद प्याज खाया, डजंट मैटर, खाया खाना ही है, लेकिन आपने क्या, आपने डेकोरेट कर दिया उसे, इट बिकम फैंसी। मतलब व्हेन यू ऐड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दैट सेम थिंग, मतलब बेस तो सबका सेम ही था, कुछ अलग नहीं था, एंड इट रिमेन सेम फॉर एवरी वन। नाउ यू गाइस गो एंड पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू डेकोरेट इट, तो उसको क्या कर दिया, इट बिकम्स फैंसी। यस हाउ फैंसी हो गया। अब जो चीजें फैंसी होती है हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, एंड वी गेट टू नो कि हाँ यार ये चीजें हमारे हिसाब से काम कर रही हैं, एंड जो हम चाहते हैं वो हो रहे हैं यहाँ पे।
वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सबके लिए काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोग्राफी लिटेरिया, जहां पे उसने क्लियर कर दिया कि जो थिंकर्स होते हैं दे आर द जीनियस। अब राइटिंग में जीनियस कौन है, जो इमेजिनेशन मींस प्राइमरी और सेकेंडरी अलोंग विद फैंसी पे काम करते हैं। तो यहां पे आई होप कि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। फैंसी में ना बेस में किस तरह कोई चेंज नहीं है, वो एक ही रहा। अब सबके ऊपर डिपेंड था वेदर दे पुट देयर एफर्ट्स, हाउ मच एफर्ट दे पुट ऑन टू मॉडिफाइड इट। आपने उसको मॉडिफाई किया, नाउ चॉइस इज योर्स। सो दीज आर द व्यूज ऑफ एसटी कॉलेज रिगार्डिंग इमेजिनेशन एंड फैंसी। आई होप यू गेट द पॉइंट क्लियर इन योर माइंड। फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।